टेक्न्यूज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हफ्ते की आखिरी टेक्न्यूज, गर्मा गर्म खबरें हैं, बहुत मजा आने वाला है आज तो। आपके लिए इंटरेस्टिंग न्यूज लाया हो, वैसे हर बार होती है और आप लोग बहुत सारा प्यार देते हैं। लाइक करिए दोस्तों, सपोर्ट करिए, हमने बहुत सारे वीडियोस डाल दिए। एक एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग में भी हम कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-4 दिन या 5 दिन की बात है और आपको उसमें बड़ा मजा आने वाला है। लाइक करिए, सपोर्ट करिए और फटाफट से आज की टेक्न्यूज शुरू करते हैं। पहले कैमरे की शुरुआत करते हैं Realme से। Realme 11 Pro Pro Plus 5G इंडिया के अंदर ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुके हैं, जून के महीने में लॉन्च होने वाले हैं। मुझे लगता है शायद मिड तक आ सकते हैं, लेकिन Realme वालों ने ये मंथ तो कंफर्म्ड कर दिया है। और हमें पता है कि इनमें जो 11 Pro Plus है उसमें 200 मेगापिक्सल OIS वाला सैमसंग के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करके लाया है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है। बट प्रोसेसर में इतना अपग्रेड नहीं हुआ है जो 10 Pro Plus में था, Dimensity 1080, इसमें 7050, वही सेम चिपसेट है, ज़्यादा फर्क नहीं है, तो ये कोई अपग्रेड नहीं हुआ। लेकिन एनीवेज देखते हैं बाकी क्या प्राइस सेट करते हैं और अभी कब आता है, मतलब किसको टारगेट करता है, ये तो हमें जून के महीने में ही पता चलेगा। ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुका है क्या? जी हाँ, काल पी यहाँ पर जो है नथिंग वाले, उन्होंने ऑफिशियली बता दिया है कि नथिंग फोन 2 में हमें स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 ही देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि शायद ये थोड़ा हड़बड़ा गए थे, क्योंकि हाल ही में जब लीक आई थी नथिंग फोन 2 जो वो कहीं Geekbench पर लिस्ट हुआ था, तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 है, 8 प्लस जेन 1 नहीं है, और लोग नाराज हो गए थे। तो वो ये चाह रहे थे कि भाई लोग नाराज ना हो, हाइप बन रही है उसको बनने दो। उन्होंने बोला चलो हम ही वहाँ पर बता देते, तो उन्होंने खुद ट्वीट करके ऑफिशियली बता दिया कि नथिंग फोन 2 में स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 होने वाला है। और उन्होंने बताया भी कि प्रीवियस जनरेशन से कितना पावरफुल है ये है वो, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद अंडरक्लॉक्ड वर्जन हो सकता है जो 1+11R में हमें मिला था। इट डजंट मैटर, बस परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए और फोन में सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो देखते दोस्तों, जुलाई के आसपास बोलते ये फोन आने वाला है, हम रेडी बैठे, बस आए और आपको उसके बारे में सब कुछ बताएंगे। Galaxy Z Fold 5 और Galaxy Z Flip 5, एक कोई ब्लॉग है चोसुन, हाँ उन्होंने ऐसा बताया कि 26 जुलाई को ये ग्लोबली लॉन्च हो जाएंगे। और इनमें हमें Galaxy जो Z Fold 5 आएगा, इसमें कोई मेजर अपग्रेड्स नहीं होगा अगर Z Fold 4 से कंपेयर करते हैं, लेकिन जो Flip होगा, जो Flip 5 होगा, इसमें ज़बरदस्त आपको यहाँ पर अपग्रेड्स मिलेंगे, जहाँ पर आपको जो बैक कवर डिस्प्ले होगा बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओप्पो ने सबकी आँख खोल दिया है, वीवो वाले ने भी ऐसा किया, बोल रहे हैं मोटरोला भी कर रहा है और सैमसंग भी कर रहा है। देखते हैं कि भाई इसकी रेस में लड़ते रहो, झगड़े करते रहो, फायदा किसका है? लेजेंड्स हमारा। वैसे YouTube और WhatsApp के मिलाकर एक स्कैम बाहर निकला, और ये पहले भी हुआ था, ये बड़ा आम है कि आपको बताया जाता है कि आप YouTube पर वीडियोस लाइक करिए आपको पैसे मिलेंगे। कितना दयावान वाला काम हो रहा है। और ऐसे ही एक बंदे हैं भाई, 42 लाख गायब हो गए थे। कैसे? पहले ये ट्रस्ट भी गेन करते हैं, आपको पहले मैसेज करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करिए वगैरह वगैरह, आपको पैसे मिलेंगे। फिर थोड़े बहुत पैसे भी ट्रांसफर करते हैं तो लगता है भाई तो जेन्युइन यार हमें पैसे दे रहा है। फिर आपको जहाँ से मिले थे कि भाई आपने जो पैसे कमाए यार क्यों नहीं आप इधर उधर इन्वेस्ट करते, हमारे पास बहुत सारे रस्ते, क्रिप्टो में करो, इधर करो, उधर करो, ऐसे ही करते करते बेचारा लालच में पड़ के ऐसे 42 लाख के इसने बुक्के कर दिया। कितना? 42 लाख। अब मैं इसको क्या बोलेगा मेरे को समझ नहीं आ रहा। मुंबई में बहुत अच्छा स्टाइल में बोलते हैं, बट मैं नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि आई एम प्रोफेशनल टेक यूट्यूबर, हम ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। बट बात यह ना कि जो लोग ये चीज़ों में फंसते हैं इसका कोई रास्ता नहीं है, जो होता है होता है। आपको समझना है कि आपको लाइक करने के कोई पैसे, आपने मेरा वीडियो लाइक किया अभी, हाँ देखो किया रहेगा, आप पैसा मिला, पेटीएम आया, जी पे आया, आपको पैसा चाहिए, कौन देता है? मोटो भैया भाई इंडिया में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कमबैक कर रहे हैं, और इस बार उनका धुआंधार लॉन्च हो सकता है। ये है मोटोरोला का एज 40 जो चाइना में ग्लोबली सब जगह जा चुका है, कमाल का फोन हो सकता है। बस प्राइस की बात करते हैं कि ये लोग क्या सेट करते हैं, हाउ ओवर इनकी हिस्ट्री है कि ये एग्रेसिव रखते हैं, और अपडेट्स उम्मीद करते हैं कि इस बार अच्छे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मोटोरोला के भी कंप्लेंट्स करते हैं कि अपडेट जल्दी नहीं आता। एनीवेज तो हम उनसे बात करेंगे, लेकिन मोटो एज 40 जो है ये इंडिया के अंदर 23 मई को लॉन्च हो रहा है, कुछ दिनों की बात है, और अनबॉक्सिंग करके आपको जरूर बताएंगे। बस देखते हैं भाई इस बार मोटोरोला वाले क्या खास करते हैं। iPhone 15, 15 Plus इंडिया के अंदर बताया जा रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो पहले से इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, मतलब शुरू से ही इंडिया के अंदर जब ये फ़ोन बनेंगे तो टाटा के साथ में मिलकर यहाँ पर काम किया जाएगा। उनका वो फॉक्सकॉन और ये सब विस्टन वगैरह चलता है, लेकिन टाटा यहाँ पर करेगा। और इसमें कुछ बताया जा रहा है कि जो इनका ऑर्डर्स भी जो है असेंबली का वो कुछ 5% से ज़्यादा रहेगा टाटा का। तो आई मीन इट्स गुड कि टाटा और आईफोन पार्टनरशिप करके इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट करो। टाटा तो हमें पता है लेजेंडरी कंपनी है, तो देखते हैं कि भाई ये एक अच्छी खबर हमें देखने को मिलती है। बट इससे प्रॉब्लम ये है ना कि प्राइसेस कम नहीं करता एप्पल, वो सब कुछ तो उनकी जगह पर सही रहता है, बट हाँ एटलीस्ट इसमें हमें थोड़ा सा प्राउड फील होना चाहिए और साथ में जॉब्स क्रिएट होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है।
व्हाट्सएप की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। अगर आपने व्हाट्सएप पर कांड कर दिया है, कुछ उल्टे फुलटे यहाँ पर मैसेजेस भेज दिए हैं, अगर आपको लगता है अरे मैंने क्या कर दिया, तो डिलीट ना करिए, डोंट वरी। व्हाट्सएप पर एडिट करने का मौका मिलेगा आपको, और इसमें भी कुछ लिमिटेड टाइम रहेगा, 15 मिनट, आधा घंटा में भी। और सामने वाले ने रीड ना किया हो तो अच्छा है, वरना उसने रीड कर लिया और यहाँ पर आप एडिट कर रहे तो हाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर अभी देखा गया है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा, अगर आपने चैट को प्रेस एंड होल्ड किया तो ऊपर आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। तो एक आई डोंट नो ये फीचर कितना यूजफुल होगा, बट हाँ मेरे ख्याल से गलती से अगर आपने अपने गर्लफ्रेंड को कुछ भेज दिया, भाई तेरे को आज छोड़ के जा रहा हूँ मैं, आज के बाद तेरी जिंदगी में कभी आपको लगेगा घर को तो मिल नहीं रही, मे बी। सबका पढ़ाई लिखाई जो है स्टूडेंट्स सब खाली छोड़ी बटाता है। डील की बात करते हैं। अगर आपको एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्पैक्ट जो आपके पॉकेट में भी चला जाए, आजकल ऐसे पावर बैंक मिलना बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि पावर बैंक बड़े बड़े होते हैं ना, बहुत तकलीफ होती है बैग में डालना पड़ता है, तो यहाँ पर अर्बन का अवेलेबल है 10,000 mAh, मुझे लगता है डिसेंट कैपेसिटी है, जहाँ पर 20 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, टाइप सी वगैरह बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स भी अलग से मिलते हैं, और ये आपको 1650 कभी कभी 1500 तक कभी उसके ऊपर भी जा सकता है, तो अच्छा ऑप्शन है। जिन लोगों को कॉम्पैक्ट पावर बैंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। गेमिंग की बात करते हैं। गेमर्स आपके लिए, स्पेशली जो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के फैन है, उनके लिए बड़ी खबर है। ऑफिशियली यहां पर क्राफ्टन ने कंफर्म कर दिया है कि हम बड़ी ही जल्दी यहां पर इंडिया में इस गेम को लेके आने वाले। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम इधर उधर सब जगह पर ये वाला फोटो डाल दिया और बोला है कि नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहना, और उन्होंने ये भी बोला है कि हमारी गवर्नमेंट से बातचीत हुई तो उन्होंने हमें कंडीशंस दिया है, जैसे कि गेम के अंदर आपको कुछ एक टाइमर मिलेगा, मतलब उस सर्टन लिमिट तक आप खेल सकोगे या कुछ ऐसा ऑप्शन है, और दूसरा ब्लड कंप्लीटली हटा देंगे या फिर चेंज कर देंगे, वैसे भी ब्लड अभी रेड से तो ग्रीन हो गया था, बट ये कुछ और करने वाले हैं, मतलब सर्टन लिमिट्स के साथ उनको 90 डेज का यहाँ पर पीरियड दिया जाएगा। ये तो अलग तरीके से लीक्स आ रही थी, तब इसमें हमारी गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करेगी और जमेगा तो इनको अवेलेबल, मतलब खेलने के लिए लोगों को देगी मौका, या तो फिर शायद इसको वापस से बैन कर देगी। आप बताइए दोस्तों, खबर सुनकर आपको कैसा लगा है, मतलब क्या एक्साइटेड है या आपको लगता है छोड़ना भी फर्क नहीं पड़ता है? क्या आपको बताया दोस्तों, चाइना में बीजिंग के अंदर अगर आपको ट्रेन की टिकट्स लेनी है तो ऐसा इनिशिएटिव वहां पर उन्होंने लिया है, जहां पर आपको एक स्पेस दिया है, वहां पर आप अपनी रिसाइकल्ड मतलब पानी वगैरह की जो बॉटल प्लास्टिक होती है, हम नाले वगैरह में फेंक देते तो वो जाम हो जाता है ना, नॉट गुड, तो वहां पर आपको रिसाइकल करना है, फिर आप ट्रेन की टिकट ले सकते हो उसको रिसाइकल करके। मतलब लोगों को एक मोटिवेशनल चीज़ है कि आपके पास खाली बॉटल है, फेंको मत, लाओ और ट्रेन की टिकट लो और निकलो। इस तरीके से यहां पर मुझे लगता है इंडिया में भी होना चाहिए। आज की डेली न्यूज़ देखा था, मुझे उम्मीद करता हूँ आपको आज की पसंद आई, लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।